इस कहानी में एक औरत लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर और उसे बांधकर दिन रात उसके घोड़े को अपनी गुफा में दौड़ाती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम लॉर्ना नाम की बंदी को देखते हैं। उसकी उम्र 40 साल की थी, लेकिन उसने अपनी बॉडी को पिछवाड़े से लेकर अपने अनमोल रतन सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ था। लॉर्ना एक राइटर थी, उसने अपने पहले हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया था और अब उसने हैरी नाम के बंदे से शादी की है। हैरी लॉर्ना के साथ उसके ही घर में रहता है। लॉर्ना का एक बेटा भी है जिसका नाम मार्क है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम जूलिया है। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जूलिया मार्क से मिलने के लिए उसके घर पर आती थी और ये लोग काफी टाइम बैठकर एंजॉय करते थे। लॉर्ना के पहले पति का नाम जस्टिन है, मार्क उसी का बेटा है। इसके बाद हम देखते हैं ये पूरी फैमिली डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है और इन लोगों के साथ जूलिया भी आई होती है। लॉर्ना को जूलिया बहुत पसंद थी। डिनर खत्म होने के बाद लॉर्ना बाथरूम में जाती है, तभी वहां पर मैंडी नाम की बंदी आती है और वो लॉर्ना से नैपकिन मांगती है। इसके बाद वो अपने आंसू पोंछने लगती है। लॉर्ना उससे रोने का रीजन पूछती है, तब मैंडी उसे बताती है, यहाँ पर मैं अपने पेरेंट के साथ आई थी लेकिन उनका झगड़ा हो गया। ये सुनकर लॉर्ना उसे शांत कराती है। इसके बाद मैंडी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं मार्क कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर आता है, तभी उसकी नजर साइकिल चलाती हुई मैंडी पर पड़ती है और वो अचानक से गिर जाती है। मार्क भाग कर उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। फिर वो उसका नाम पूछता है। मार्क उसकी हॉटनेस देख कर पागल हो रहा था। इसके बाद हम मैंडी को घर में देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है मैंडी मार्क को फंसाना चाहती है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो लॉर्ना के पास भी बहाने से आई थी ताकि वो उसकी हमदर्दी हासिल कर सके और वो साइकिल से भी खुद ही गिरी थी जिससे वो मार्क से बात कर सके। इसके बाद हम देखते हैं मार्क की गर्लफ्रेंड जूलिया जॉगिंग कर रही थी, तभी मैंडी अपनी कार से उसका पीछा करती है। जब वो एक सुनसान सड़क पर आते हैं तब मैंडी उसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है और वो उसे उड़ाने ही वाली थी, लेकिन तभी जूलिया अपना रास्ता बदल लेती है और मैंडी की कार से कोई अजनबी उड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ना अपनी न्यू बुक लिखने के बारे में सोच रही थी, तभी उसे नीचे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो नीचे जाकर देखती है तो ये मैंडी थी। लॉर्ना उसे देखकर खुश होती है। मार्क लॉर्ना को बताता है कि हमारी नेबर है और ये जल्दी ही यहाँ पर शिफ्ट हुई है और हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। ये सुनकर लॉर्ना भी खुश होती है और वो मैंडी से कहती है, तुम आज ही अपने पेरेंट्स को लेकर हमारे यहाँ डिनर पर आओ। तभी मैंडी कहती है, मेरे पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। तब लॉर्ना अकेले ही उसे बुला लेती है। इसके बाद हम देखते हैं ये सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। जब मार्क मैंडी को छोड़ने जाता है तब मौका देखकर वो उसे किस करने लगती है। किस करते हुए लॉर्ना उसे देख लेती है। उसे मैंडी का किस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो मैंडी को रोकना चाहती थी लेकिन फिर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। अब मैंडी का मार्क के घर आना बढ़ गया था। मैंडी को जब भी मौका मिलता था वो उसके घोड़े की सवारी करती थी। ये सब लॉर्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो मार्क से कहती है, तुम्हारे लिए मैंडी बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए जूलिया ही एक अच्छी लड़की है। मार्क लॉर्ना से कहता है, मैं मैंडी से प्यार करता हूँ, लेकिन लॉर्ना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। मार्क मैंडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मैंडी मार्क को अपने घर पर लेकर आती है क्योंकि मार्क उसका घर देखना चाहता था। मैंडी अपने घर के अंदर चली जाती है। पीछे से मार्क जब घर के अंदर जाता है तब मैंडी उसे दिखाई नहीं देती और वो उसे ढूंढने लगता है। तभी अचानक से मैंडी पीछे से आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अगली सुबह हम देखते हैं लॉर्ना एक मीटिंग अटेंड करती है। मार्क पूरी रात घर नहीं लौटा था जिसकी वजह से लॉर्ना काफी परेशान हो रही थी। जब वो अपने घर जा रही थी तब वो अपने पहले पति जस्टिन को कॉल करती है और उसे मार्क के बारे में पूछती है। जस्टिन उसे मना करता है। अब लॉर्ना को समझ नहीं आ रहा था आखिर मार्क कहाँ चला गया। तभी उसके पास मैंडी आती है और वो उससे पूछती है, मार्क कहाँ है। मैंडी कहती है, मुझे मार्क के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर लॉर्ना उसे थप्पड़ मारती है लेकिन इस बार भी मैंडी उसे यही आंसर करती है और वो उसे कहती है, तुम्हें कौन भी फैमिली की लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद लॉर्ना अपनी कार में बैठती है, तभी उसे अचानक से याद आता है कि मैंडी का सरनेम कॉनवे है। फिर वो जल्दी से अपने घर पर आती है और कॉनवे फैमिली के बारे में सर्च करने लगती है। तभी उसे पता चलता है एक साल पहले कॉनवे की फैमिली में एक औरत का नाम मिली था जो लॉर्ना की हर किताब को पढ़ती थी। मिली के हस्बैंड का नाम रिकी था और उसे लॉर्ना की किताबें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लॉर्ना ने अपनी एक किताब में डाइवोर्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया था। जब मिली का हस्बैंड रिकी घर पर आता है तब वो उसे डाइवोर्स मांगने लगती है। तब रिकी अपनी गन निकाल कर कहता है, मैंने तुम्हारी हर जिद को पूरा किया है लेकिन अब तुम लॉर्ना की किताब पढ़ने के बाद मुझसे डाइवोर्स मांग रही हो। इसकी किताबें तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हैं लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।
अगर आज के बाद तुमने लॉर्ना की बुक्स पढ़ी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन मिली उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी रिकी उसे गोली मार देता है और खुद भी सुसाइड कर लेता है। घर के बाहर साइकिलिंग करती हुई मैंडी भी गोली की आवाज सुनती है और वो भागकर अंदर जाती है। मैंडी मिली और रिकी की बेटी थी। फिर वो उन दोनों की लाशें देखकर टूट जाती है। मैंडी को पता था लॉर्ना की किताबों की वजह से ही उसके पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता था, लेकिन उसे ये सब नहीं पता था। उनका ये झगड़ा उन दोनों की जान ले लेगा। पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद लॉर्ना हैरी को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। फिर वो उसे वॉइस मैसेज करके बताती है कि मुझे पता चल गया है मार्क कहाँ है। फिर वो उस घर का एड्रेस हैरी को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्क होश में आ रहा था और वो मैंडी के घर में बंधा हुआ था। फिर उसके सामने मैंडी आती है और उसके हाथ में गन थी। फिर मार्क मैंडी से कहता है आखिर हम लोग कहाँ हैं। तब वो कहती है तुम मेरे पेरेंट्स के बेडरूम में हो। फिर वो उसके घोड़े पर बैठने लगती है। तभी वहाँ पर लॉर्ना भी आ जाती है और वो उससे गन फेंकने के लिए कहती है, लेकिन मैंडी गोली चला देती है। उसने ये गोली लॉर्ना को डराने के लिए चलाई थी। फिर वो मार्क से कहती है तुम्हारी मॉम की वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और मैं उसी का बदला लेने के लिए सब कर रही हूँ। लॉर्ना उसकी बातें सुनकर कहती है तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंडी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और लॉर्ना से कहती है आज मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। वो जैसे ही मार्क की तरफ गन पॉइंट करती है लॉर्ना पीछे से उसे पकड़ लेती है। इन दोनों में फाइट होने लगती है और लास्ट में लॉर्ना गन छीन कर मैंडी पर गोली चला देती है। लास्ट सीन में हैरी पुलिस के साथ एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर पुलिस इंजर्ड मैंडी को अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन